हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। जैसे आप सबको पता है कि BLLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर जो कोर्स है उससे जुड़े हुए आजकल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज चला रहे हैं। जैसे आपको पता है कि आप सबके इवन सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो जल्द ही शुरू होने वाले हैं, उसकी डेट जल्द ही अनाउंस होने वाली है। ये लास्ट नोटिफिकेशन के थ्रू पता लग गया कि 23 जून से जो है वो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, लेकिन डेट शीट जो है वो अभी आने में थोड़ा सा समय बाकी है, ज़्यादा समय बाकी नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली 1st week of June जो है आपकी डेट शीट आ जाएगी और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके एग्ज़ाम कब होंगे। तो जैसे हमें पता है कि सेकंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो लास्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो आपको बीच में बनाकर डाली थी। थैंक यू वेरी मच आप सबका कि आपने इतना अप्रिशिएट किया मेरे वीडियो को, मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं आपके लिए और भी वीडियो की सीरीज़ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेके आऊँ। तो जैसा आप सब वेट कर रहे थे, मैंने एक सोशियोलॉजी डाल दिया था, तो आज मैं दूसरी वीडियो आपके बीच में लेके आया हूँ। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, वो इंडियन इकोनॉमिक्स 2 कवर कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है BLLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड, उसके हम कवर कर रहे हैं इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम। तो जैसा मैं हर बार आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छी तरह करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपके 70% मार्क्स, कम से कम 70% मार्क्स गारंटेड आपके आ सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की तैयारी करते हैं। तो आज के बाद आपके जो इकोनॉमिक्स 2 के सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप सिर्फ ये जो मेरे बताए हुए क्वेश्चन हैं अगर इनको इस तरह कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको कुछ और पढ़ने की या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये जो 15 क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, आप इनको कर लें और अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो मेरा बताया हुआ डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन अब मार्क्स जो हैं वो आपके लिखे हुए आंसर पे दिए जाएंगे। तो इसलिए अगर आप आंसर को परफेक्टली अच्छे तरीके से याद करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे एजुकेटर ऑफ दिल्ली इंस्टाग्राम पर, मेरे एजुकेटर ऑफ दिल्ली फेसबुक पेज पर लिख कर पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो कि कैसे आंसर फ्रेम करना है, कैसे आंसर लिखना है, आंसर को कैसे बड़ा किया जाएगा, वो सब आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो इंडियन इकोनॉमिक्स 2 का। स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी सीरीज है। एग्जामिनेशन जो पेपर होता है आपका CCS यूनिवर्सिटी का इवन सेमेस्टर का, वो सेक्शन ऑफ बी और सी को आज हम कवर कर रहे हैं। बी और सी के क्वेश्चन जो होते हैं, सेक्शन बी जो होता है वो 10 मार्क्स ईच होता है और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ते हैं आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, और जो सेक्शन सी है वो 20 मार्क्स होता है, 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 3 आउट ऑफ 5। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार जो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, डिफरेंट ये किया है कि जो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन उनके आंसर जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने नंबर 1 दे दिया है, 1 ही मार्क कर दिया है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो उसको समझने में और आप 1 ही आंसर तैयार कर लें। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इवेल्युएट द रोल ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स इन एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन द इंडिया। भारत में निर्धनता निवारण एवं समानता कम करने में भूमि सुधारों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो भारत में किस तरह से निर्धनता जो है उसको दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए भूमि सुधार जो है वो लाए गए, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, और उन्होंने कितनी मदद की, आपको ये लिखना है। अब आपको इसमें डिटेल में ये भी समझाना पड़ेगा कि लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, लैंड रिफॉर्म कब लाए गए, किस सन में लाए गए, उस समय देश की स्थिति कैसी थी और लैंड रिफॉर्म आने के बाद स्थिति में क्या सुधार हुआ, पॉवर्टी का सलूशन कितना निकला कि नहीं निकला, ये सब आपको इसमें लिखना है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट आर रूरल फाइनेंस, रूरल फाइनेंस क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज अवेलेबल टू अ फार्मर इन द विलेजेस फॉर फाइनेंस और द क्रेडिट। तो रूरल फाइनेंस क्या है, जो ग्रामीण होते हैं हमारे गाँव तबकों में जो रहने वाले लोग हैं उनको जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए जो पैसा है वो कहाँ कहाँ से आता है, विलेज के फाइनेंस के लिए, क्रेडिट के लिए कौन पैसा देता है, कैसे प्रोवाइड करता है, विलेजर्स को उधार पे पैसा कैसे मिलता है, वो कैसे इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं, ये सब इसमें आपको लिखना है। डिस्क्राइब द करंट सिनेरियो ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर बेटरमेंट ऑफ द सिचुएशन। भारतीय कृषि के में वर्तमान परिदृश्य का वर्णन कीजिए, सरकार द्वारा इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए। तो जैसा आपने हिंदी में पढ़ा था वो क्लियर भी हो गया होगा कि भारतीय कृषि जो है उसके आज के वर्तमान स्थिति क्या है, आज भारतीय कृषि को किस स्थिति में आप देख पाते हैं, आज भारतीय स्थिति कहाँ पे स्टैंड करती है, भारतीय कृषि कैसी है आज, ये आपको बताना है इसके अंदर, और इसकी स्थिति कितनी सुधर पाई है इतने सालों से, आज़ादी के 75 साल में हमने कितनी कोशिश की है कि हम भारतीय कृषि को जो है वो सुधार पाएँ,
एक आधुनिक कृषि का रूप दे पाएँ, मॉडर्न एग्रीकल्चर बना पाएँ, तो वो कितना हम कर पाएँ और कितना सक्सेस हुए हैं, उस क्वेश्चन में आपको वही सब डिस्क्राइब करना है, लिखना है। तो आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। इसको भी मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री ही दिया है और पिछले क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर थ्री ही दिया था, क्योंकि दोनों जो क्वेश्चन हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और कुछ कुछ आंसर सबका सेम है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। सब्जेक्ट मेजर्सेज फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने के लिए आप क्या चीज़ पे काम करेंगे और कैसे करेंगे, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा वो था कि वर्तमान स्थिति क्या है, आज अब इस क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है। तो यहाँ पर आपको जब एग्रीकल्चर मार्केटिंग लिखो तो भी आपको कृषि के बारे में तो लिखना पड़ेगा, कृषि की समस्याओं के बारे में लिखना पड़ेगा, समस्याओं को कैसे दूर किया गया, बाजार तक कैसे फसलों को पहुँचाया गया और कैसे उनका मतलब समृद्ध रूप जो है वो सामने आया, तो ये सब है। तो गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम फेस बाय द एग्रीकल्चर इंडिया, अब ये भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, इसमें बताया प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये भी वही चीज़ हो गई, ऊपर मार्केटिंग की प्रॉब्लम थी तो अब एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है। तो भारत में कृषि के समूह समस्याओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो ये सब क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, इसलिए इन सब क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री मार्क की है। अब एक और क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट कैन बी इंस्टीट्यूशनल कॉज फॉर लो कनेक्टिविटी, लो कनेक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर की जो लो कनेक्टिविटी है यानी कि एक देश का हिस्सा दूसरे देश के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो एग्रीकल्चर एक दूसरे से एक जैसे नहीं है, क्यों एक जैसे नहीं है, क्या रीज़न है, आपको ये बताना है इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर चार, गिव एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ट्रेड ऑफ द यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर ट्रेड जो यूनियन है उनके क्या मूवमेंट्स है ये बताना है आपको। हाउ फार इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन प्रोटेक्टिंग द लेबर इंटरेस्ट, तो भारत में व्यापार संघ के विकास का विवरण कीजिए, किस तरह ट्रेड यूनियनों ने प्रोग्रेस किया इंडिया के अंदर, विकास किया ये बताना है आपको। यह श्रमिक के हितों के संरक्षण में कहाँ तक सफल है, मतलब ट्रेड यूनियन जो है वो कितना श्रमिकों के लिए काम कर रही है और कितना अपने सेल्फ सेंटर्ड अपने लिए काम कर रही हैं, ट्रेड यूनियन जो है उनके यूनियन लीडर जो है खाली अपने को प्रमोट कर रहे हैं, उनको अपने यूनियंस के मेम्बर से या किस जो ट्रेडर हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, ये आपको इस पर बताना है। अब क्वेश्चन नंबर फोर, अगला मैंने उसको ही फोर ही मार्क किया है, वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द ट्रेड यूनियन इन द प्रोटेक्टिंग लेबर इंटरेस्ट, श्रम के हितों के संरक्षण में व्यापार संघ की भूमिका बताइए। देखो ट्रेड यूनियन जो है वो बनाई इसलिए जाती है ताकि श्रमिकों के अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ सके, लेकिन क्या वास्तव में वो श्रमिकों के अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, आपको इस क्वेश्चन में यही डिस्कस करना है, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क देना है, तभी आपका अगर 20 नंबर में आया तो एटलीस्ट आपको 6 पेज का आंसर लिखना है, 6 शीट आपको भरनी है इसके अंदर, और अगर ये 10 मार्क्स में आए तो 4 शीट आपको करनी है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आंसर जो है डिटेल स्टडी कर ली ताकि डिटेल आप लिख पाएँ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अंडरटेकन इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991, तो 1991 के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था में किए गए संरचना सुधार क्या है उनको बताना है आपको, उन पर चर्चा करनी है। गिव एन अकाउंट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया पीरियड ऑफ 1991 इन वर्ड सेंस, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 रिफॉर्म्ड इंडियन इकोनॉमी, तो 1991 में जो भारत में पूर्व औद्योगिक नीति थी उसने क्या उसकी बुराइयाँ थी जो 1991 से पहले थी, उनको सुधार करने के लिए जो नई औद्योगिक नीति आई 1991 में तो उसने क्या सुधार किया अर्थव्यवस्था के अंदर, और आज अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, आज अर्थव्यवस्था हमारी कितनी मजबूत हो पाई है, कितनी सुदृढ़ हो पाई है, ये आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर। अगले को भी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का ही नाम दिया है क्योंकि ये भी कुछ कुछ औद्योगिक नीति 1991 के ऊपर ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। डिफाइन द इंडस्ट्रियल सिकनेस, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द डिफरेंट रेमेडियल्स मेजोर्सेज इज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडस्ट्रियल सिकनेस, तो औद्योगिक ऋणता को परिभाषित कीजिए यानी कि औद्योगिक के अंदर क्या सिकनेस आती है, कैसे आती है, इसको आपको बताना है। इसमें क्या कारण है कि भारत सरकार द्वारा योगी के ऋणता के लिए किए गए उपचारात्मक उपाय क्या है, तो जो उद्योगों की रुग्णता है यानी कि उसकी जो सिकनेस है उसको ख़त्म करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं भारत सरकार द्वारा और वो कितने सफल रहे हैं, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है,
critically evaluate the role of the industrial functioning institution of the industrial development of India. तो औद्योगिक वित्तीय संस्था के भारत के औद्योगिक विकास में भूमिका पर चर्चा कीजिए, उसका आलोचनात्मक परीक्षण भी कीजिए। तो किस तरह से आपको ये बताना है कि इंडस्ट्रियल जो फंक्शन है वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं और कितना रोल उनका अभी तक रह पाया है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के क्या फंक्शन है, अगला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विश्व बैंक का क्या हाथ है, क्या सहयोग है ये बताना है। विश्व बैंक के क्या कार्य हैं, पहला भारत के आर्थिक विकास में विश्व बैंक की भूमिका क्या है, ये आपको बताना। तो कार्य ये बताना है, इसकी भूमिका ये बतानी है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो आपको IMF और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंशिएट है ये बताना है। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों में क्या अंतर है ये बताना है आपको। व्हाट आर द गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन क्या होती है, राइट अ नोट ऑन द वर्किंग ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन इन इंडिया। तो भारत में जो सरकारी निगम है, सार्वजनिक निगम है, उनके कार्यों पर आपको टिप्पणी करनी है, किस तरह का कार्य कर रहे हैं भारत में सार्वजनिक निगम और कितने सक्सेस हैं, कितने सफल हैं। सरकारी निगम क्या होते हैं पहले आपको मीनिंग के रूप में इसको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ क्या होता है, क्रिटिकली इवेल्यूएट द रोल ऑफ द SEZ इन द इंडियाज़ एक्सपोर्ट आफ्टर 2000। तो 2000 के बाद जो भी एक्सपोर्ट हुआ उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन की क्या भूमिका थी, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको। विश्व औद्योगिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, सन 2000 के पश्चात भारत के निर्यात में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज, निर्यात प्रोत्साहन नीतियाँ क्या हैं भारत की और वो किस तरह से निर्यात को प्रोत्साहित कर रही हैं। व्हाट इज़ द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है। डिस्क्राइब द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूवर्ड द ग्लोबलाइजेशन, भारत सरकार ने ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या कदम उठाए आपको ये बताने एंड उसके इफेक्ट्स क्या पड़े इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो वैश्वीकरण क्या है, भारत सरकार द्वारा वैश्वीकरण के लिए उठाए गए कदम और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर कॉरपोरेटिव सोसाइटीज, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज क्या हैं, सहकारी संस्थाएं क्या होती हैं। व्हाट आर देयर टाइप्स, उनके टाइप्स क्या हैं। राइट अ नोट ऑन द कॉरपोरेटिव मूवमेंट इन द रूरल इंडिया, रूरल इंडिया के अंदर क्या रोल है कॉरपोरेटिव मूवमेंट का। सहकारी संस्थाएं क्या होती हैं, इनके कौन से प्रभार हैं। ग्रामीण भारत के सरकारी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसी तरह साथ ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए और आज जो है इकोनॉमिक्स 2 का वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके बीच में ला दिया। होप आपको पसंद आएगा और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा एग्ज़ाम में। स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जो बच्चे पूरे साल पढ़ाई नहीं करते और लास्ट में जाकर कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं कि उनके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आ जाए। तो मैं उनको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स दिलाने की गारंटी देता हूँ। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इसको करेंगे तो आपके पासिंग मार्क्स ही नहीं आएंगे, आपके पासिंग मार्क्स से भी कुछ ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। और अगर आप अच्छी तरह कर लेते हो 70% तक मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं और डेफिनेटली आप सिक्योर कर सकते हैं, मेरी गारंटी है। 70% मार्क्स मैं हर बार कहता हूँ कि अगर मेरे वीडियो को आप देखेंगे तो 70% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और 70% मार्क्स लाने के लिए अगर सिर्फ 15 क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ जाएँ और आपके 70 मार्क्स आ जाएँ तो कोई भी कर लेगा। इजीली 15 क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं, हार्डली 2 से 3 दिन में आप 15 क्वेश्चन रट सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो कोशिश करें सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंटेशन सुधारें अपनी, एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख के आएँ, क्योंकि आपके लिखने से ही आपको मार्क्स मिलेंगे और आपके मार्क्स जो हैं वही आपकी रिपोर्ट कार्ड है, वही दिखाएगा आगे। कोई ये नहीं देखेगा कि आपने पूरे 6 महीने पढ़ाई की कि नहीं की, सब आपके मार्कशीट को ही देखेंगे। तो प्लीज़ मेरे फ्रेंड जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि इसमें व्यूज़ तो काफ़ी आते हैं लेकिन नॉन सब्सक्राइबर के व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तक सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जितने भी आपके बच्चे हैं आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इसको शेयर करें, सबको पर्सनल मैसेज करें। ये आप जो है मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी आपकी तरफ से, इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में आपकी तरफ से हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ रिकमेंड करें मेरे चैनल को ताकि लोग अधिक से अधिक जुड़ें और मैं इस तरह से बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आपके बीच में लेके आता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इतना समय दिया मेरे चैनल को, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें, हम आगे भी इसी तरह से आपके सिलेबस को कंप्लीट कराते रहेंगे और पूरे 5 साल बाद आपको इंटीग्रेटेड कोर्स BLLB की डिग्री दिलाकर एडवोकेट बनाना भी हमारा ही काम है। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए।